जय श्री राम। मैं आचार्य राज मिश्रा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस विशेष कार्यक्रम 2018 नौ वर्ष राशिफल में। और मेरी प्रार्थना भगवान से रहेगी कि 2018 आपके लिए अति उत्तम हो, आपकी सारी योजनाएं जो 2017 में अधूरी रह गई हैं वो आपकी पूर्ण हो, आपको मानसिक शांति मिले, आपको प्रेम मिले, आपका व्यापार वृद्धि करे, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। लेकिन क्या कहती हैं आपकी ज्योतिषीय गणनाएं, क्या कहते हैं आपके ग्रह, क्या कहते हैं आपके नक्षत्र और किस प्रकार रहने वाला है 2018, उस पर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। 2018 आपके लिए वाक्य में खुशियां लेकर के आ रहा है। अगर स्वास्थ्य 2017 में बहुत खराब रहा है, स्वास्थ्य की परिस्थितियां बहुत खराब रही हैं, तो स्वास्थ्य 2018 में निश्चित रूप से आपका बेहतर होगा। हाँ, कुछ जिम्मेदारियां आपके ऊपर जरूर रहेंगी, पारिवारिक बहुत सारी जिम्मेदारियों को आपको संभालना पड़ेगा, लेकिन 2018 मन की शांति लेकर के आएगा, व्यापारिक वृद्धि लेकर के आएगा, जिम्मेदारियों को भी बहुत अच्छी तरीके से आप निर्वाह करेंगे। धन की परिस्थिति को लेकर के देखा जाए, धन अनायास खर्च जरूर होगा। 2018 में आपका धन बहुत ज़्यादा खर्च होगा और अच्छी चीज़ों पर नहीं खर्च होगा, लेकिन उसके साथ साथ धन आएगा भी, धन आने की भी काफ़ी अच्छी तेजी होगी और धन जाएगा भी उस स्पीड से, तो जाए कैसे नहीं, उस चीज़ को लेकर के ध्यान रखने की आवश्यकता है। धन अत्यधिक ना खर्च हो उसके लिए 2018 में आपको एक मोर का पंख सदैव अपने कमरे में लगा करके रखना है, ताकि आपका धन अत्यधिक खर्च ना हो। परिवार के लोग निश्चित रूप से आपका सहयोग करेंगे, पारिवारिक वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ यदि घर में बहुत दिन से कोई मांगलिक कार्य का आयोजन नहीं हुआ है, मेरा कहने का तात्पर्य है कि घर में संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है या घर में किसी बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है बहुत दिन से, तो 2018 में आपको ये सुख निश्चित रूप से प्राप्त होगा। बच्चों की मैरिज होगी, घर में संतान की उत्पत्ति होने से घर का जो माहौल है वो खुशियों से भरपूर रहने वाला है। आत्मविश्वास भी आपका 2018 में अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतर रहेगा ही। यदि नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं और 2018 में उसके लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें अच्छी सफलता प्राप्त होगी। 2018 में व्यापारिक परिस्थितियां आपकी अच्छी रहेंगी। पढ़ाई को लेकर के भी 2018 आपके लिए अनुकूल रहेगा। पढ़ाई संबंधित कोई विदेश यात्रा इत्यादि करना चाहते हैं तो भी उसके लिए परिस्थितियां बिल्कुल बेहतर हैं, विदेश यात्रा इत्यादि आपके लिए हो जाएंगी। यहां पर जो महत्वपूर्ण चीज़ है और याद रखने की चीज़ है, खासकर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा तो है लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान हमें रखना होगा। रखना किस चीज़ का होगा? नशीली पदार्थों का सेवन करना या मांसाहार इत्यादि का सेवन करना आपके स्वास्थ्य को बहुत दिक्कतें दे जाने वाला होगा। इसलिए 2018 में मेरा एक निवेदन होगा आपके लिए कि 2018 में नशीली पदार्थों से आपको दूर रहना चाहिए, मांसाहार से आपको अपने आप को बचाना होगा, दूर रहना होगा। 2018 में कमर दर्द से, कमर की समस्याओं से या किडनी की प्रॉब्लम से आपको परेशान रहना होगा। तो यदि आप मांसाहार का और नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से ये समस्याएं आपके साथ नहीं होंगी, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। 2018 में शत्रु ज़्यादा परेशान करने का प्रयास करेंगे, खास करके गुप्त शत्रु ज़्यादा परेशान करने का प्रयास करेंगे, तो शत्रुओं से आपको सावधान रहना होगा। किसी कंपटीशन इत्यादि में जा रहे हैं और अपने आत्मविश्वास पर कंट्रोल रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको कंपटीशन में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। 2018 में किसी से लड़ाई झगड़ा होता भी है तो आपको क्या करना होगा, उससे अपने आप को दूर रखने का प्रयास कीजिए, शांति से चीज़ों को निपटाने का प्रयास करें। यदि 2018 में जो आपकी शत्रुता होगी वो बहुत लंबे समय तक चलने वाली होगी और शायद अंत में होगा उसका भी समझौता ही, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद 2018 में आपके जो आपसी संबंध है उनमें दिक्कतें जरूर आने का योग है। जो पति पत्नी के आपसी रिलेशन है वहाँ पर समस्याएँ खराब होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, तो सावधानी रखने की आवश्यकता है। 2018 में भाग्य निश्चित रूप से आपके अनुकूल रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा, पीला कलर 2018 आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। 2018 में हम बात करें नौकरी को लेकर के, तो नौकरी को लेकर के भी 2018 आपके लिए अनुकूल है, धन लाभ से भी परिपूर्ण रहने वाला है 2018। एक चीज पर जो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, किसी प्रकार से आपको माता का असम्मान नहीं करना है 2018 में। यदि माता
का अपमान आपके माध्यम से हुआ, सबसे पहले मेरा निवेदन हमेशा रहता है कि माता पिता का सदैव सम्मान किया करें, लेकिन खास करके ये 2018 में माता का अपमान आपके माध्यम से हुआ तो फिर कोई भी ग्रह आपके लिए अनुकूल कार्य नहीं करेंगे। प्रति ग्रह का आपको बुरा प्रभाव जरूर देखना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन रहेगा कि इस कार्य को ना करें, सदैव माता का सम्मान करें ताकि दिक्कतें आपके जीवन में ना हो। 2018 में श्री रामचरितमानस में, यदि आपके घर पे रामायण है तो श्री रामचरितमानस के आरण्य कांड है, श्री रामचरितमानस में उसका दोहा नंबर 3 से लेकर 4 है। नियमित रूप से इसका पाठ करना आपकी प्रत्येक परिस्थितियों को बेहतर करने वाला होगा। अगर इसका पाठ नहीं कर पाते हैं तो 2018 में प्रतिदिन आपको केसर का टीका लगाना होगा, आपकी प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी, 2018 आपका अच्छा रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। जय श्री राम।